हिंदू सिख का मसला बनाओ, कुटो मारो, लाला लाला डांगा जी असी प्रधानमंत्री बुझाता, गृह मंत्री बुझाता। यार कोई सियाने गल करो यार, यार प्रधानमंत्री कुछ देना आया है। एक कहता मैं दुध कढ़ना आता है, दूजा कहता मैं दुध चो पनीर कढ़ना आता है, तीजा कहता मैं ट्रिक चलाना आता है, चौथा कहता मैं ऊठ लाना आता है। यार कमाल हो गई, किसी ने पंजाब भी चलाना आता, पंजाब बचाना आता भी बंदा दस अपने बारे च। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ जतेंद्र सिंह राठौर, तो तुम वेख रहे हो अजीत वैब टीवी। जिमें कि सब नूं पता है कि नामजदियां भरन का लगातार सिलसिला जारी है, उत्थे असी भाजपा के उम्मीदवार दीदार सिंह पट्टी के गृह निवास विखे पुजे हाँ, जिते कि दिल्ली कमेटी के सबका प्रधान मनजिंदर सिंह सरसा, जो कि विशेष तौर पर उगे भाजपा आगू हैं, जो कि विशेष तौर पर दीदार सिंह पट्टी जो कि भाजपा के उम्मीदवार उन्होंने नामजदगी पत्र भराने लई इत्थे पहुंचे हन। लड़ाई किसानां ने जित के इस देश दे अंदर एक मिसाल कायम की, पर उसका फुल वटण वास्ते बहुत सारे लोग अगे आने लग पे, कोई पार्टियां बना के कहन लग पे। पर मैनू इस गल का दुख ते अफसोस आ बई, जे तुसी राजनीति ही करनी सी, असी राजनीतिक लोग छाती चौड़ी करके कहिंदे सी असी राजनीतिक लोग हाँ, इह संघर्ष तुहाडी लड़ाई लड़दे पए हाँ, पर असी इह नहीं कदी कहिंदे सी असी राजनीतिक नहीं हैगे। बिल्कुल राजनीतिक, राजनीति तो ही उठ के बाहर आए उभरे हाँ, पर तुहाडे नाल खड़े हाँ। जिहड़े लोग अज इह कहिंदे असी इलैक्शन लड़नियां आए, उस वेले ते किसानां दी गल करदे सी, अंदर रख के बैठे से असी इलैक्शन लड़नी आ और गालां सानू कढ़दे सी। मैं ठीक है गलत करा दसो जी, मेरी गल ठीक है गलत दसो, लड़ाउंदे सानू सीगे, पर असी जो उदों भी झंडा चुक के कहिंदे सां असी पार्टी दे फुर सफाई हाँ, हाँ कौम की लड़ाई आ, किसानी की लड़ाई आ, डट के खड़े हाँ। असी पिछले दरवाजे थानी नहीं बड़े, जिधर पार्टी ज्वाइन की भाई साहब सामने खलो के की, हूँ पार्टी चले हाँ, को पिछले दरवाजे थानी नहीं बड़े, जिम्मे बढ़ते हैं पिछले दरवाजे थानी। अगर याद हो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिता और राज्यपाल ने कहा कि साढ़े तो 40 सीटा मांग रहे थे, फैसला नहीं होया। मैं ठीक कह रहा गलत कह रहा, कभी दस दे लोगों को इलेक्शन लड़नी है, नहीं बंद करना तुम सीटा मंगो, असं नंगे चिट्टे होके खड़े होके कहते अं खड़े हाँ। सरदार साहब, पंजाब का जो बहुत वड्डा नुकसान इन्होंने लोगों ने किया है, जेडे राजसी पार्टियां अच दिल्ली के नाम लैके कोई मॉडल दिल्ली का लैके आ गया, कोई चक के पंजाब तो अमरीका तो मॉडल चुक के लाया, नवजोत सिंह सिद्धू वर्गा कमला बंदा खड़ा होकर चौ कुछ भी बोली जाता है, पर आप यह नहीं समझते पे आप अपनी कौम लैके किधर जाते पे हैं। मैं तुम्हें अच्छ गल कहना, जी मेरी गल गलत हो खड़े होके कहो जे भी तू गलत गल करता है। इन्होंने हिंदू सिख का पड़ पाने की भी कोशिश की, इन्होंने लड़ाई लड़ाने की कोशिश की, जिद न साड़िया कई पुश्तां भुगतियां, सानू दोबारा उस जात से जाके खड़ा किया जा रहा। हिंदू सिख का मसला बनाओ, कुटो मारो, लाला लाला डांगा जी असी प्रधानमंत्री बुझाता, गृह मंत्री बुझाता। यार कोई सियाने गल करो यार, यार प्रधानमंत्री कुछ देन आया है क्यों तुसी? मैं हैरान इस करते हैं, पट्टी साहब ने एक बयान सुनिया, किसान जत्थेबंदी का एक प्रधान कह रहा है, यार मैं सुन के मैं दो घंटे तो यही सोचने मजबूर हो गया भी यार रह के किधर चले सानू, कहिंदा जी असी प्रधानमंत्री वापस भजा दिता है, हुण साडे खर्चे बड़े होने आ, सानू बड़ी पैसे की लोड़ पैनी आ, यह बयान टीवी तो तुसी शायद सुनिया होवे, सानू हुण लोड़ पैनी आ, असी बेनती करते विदेशों च बैठे लोगों नू सानू पैसे भेजो। वह जेड़ा पंजाब नू इन्ना वड्डा पैकेज देण आया उहनू तो वापस भजा दिता, ते हुण सानू पैसे दे दिओ, सानू पैसे मिलण ते ठीक आ, पर जे पंजाब नू मिलण ते गलत आ। लड़ाई तो यही है ना भी पंजाब नू नहीं मिलना चाहिए कुछ भी। सरदार साहब एक गल मैं तुहानू जरूर पुछना चाहुंदा, किड्डी वड्डी गल सीगी जिद्दण गुरु नानक देव पातशाह जी दे प्रकाश पुरब उत्ते देश दे प्रधानमंत्री ने कहा और सारे उत्थे जिहड़ियां जथेबंदियां मिसलीड ना करदियां ईमानदारी दिखाउंदियां ते खड़े होके कहिंदे भी देखो गल गुरु नानक देव दी हो रही है, अज गल किसे होर दी नहीं,
अज उस गुरु नानक देव की गल हो रही है जिसनों 550 साल तो असी घर घर पहुंचाने की गल करते अज देश के प्रधानमंत्री ने एक बयान दे के दुनिया च बता दिता कि मैं गुरु नानक के नाम दिते करता। क्या साड़ी दुनिया च वाहवा ना आती? अमरीका का राष्ट्रपति भी उत्त अखबारों लिखा जाता, कनेडा के अखबारों भी लिखा जाता, वर्ल्ड के अखबारों लिखा जाता, पर इन्होंने की किया जेड़े उत्ते बैठे थे? मैं किसी का नाम नहीं लेंदा पर मैं जरूर कहना चाहता जेडे कट्टरवाद और जेडे कम्यूनिस्ट बैठे थे उत्थे, उन्हें कहा जे गुरु नानक की गल होगी ना ये सारे का सारा जी जित दी आ यह सिरा सिखा के घर पै जाना, यह ना कम होने दौ जी। उ काम महीने बाद किया, उठ के भी आए पर महीने बाद, क्यों? भी जो उधर उठांगे तो गुरु नानक देव जी की गल हो जाऊगी, आप अजे नहीं उठना। यह मानसिकता ने इन लोगों लड़ाई लड़ी और वो लड़ाई कोई कवे ना कवे ये सच्चाई है। एक किसानी की लड़ाई सिखी करके, सिखी सिद्धांत करके, गुरु के लंगर करके लड़ी गई है, सच्चाई है, जिस तो बाद सारे मुकरते फिरते। मैं तुम्हें एक बेनती करता है, आप अगे बद के सोचिए यार, देश का प्रधानमंत्री अपने नाल गल करके आपां नूं गल लाउणा चाहुंदा है, पंजाब नूं खुशहाल बनाउणा चाहुंदा। मैं निजी तौर पर, मैं तुहानूं हुण ओह 2 मिंट लैणे आ, मैं निजी तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नाल होईआं गल्लां निजी तौर पर मैं तुहाडे नाल पहली नंबर ते शेयर करन लगा। मैं अज तक बोलिया नहीं, मैं गृह मंत्री नूं बैठे सी, मैं उहनूं कहा, मैं कहा जी आप पूछते हो लोग नाराज क्यों रहते हैं, यार पंजाब नाराज ना होवे, मास्टर तारा सिंह ने इस पंजाब को बचाने का काम किया, जे मास्टर तारा सिंह उस दिन कृपान कढ़ के श्री साहब कढ़ के लाहौर की बारली विधानसभा के उत्ते ना अपनी कृपान कढ़ के नारा लाउंदा हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो यह पंजाब जिहड़ा सीगा यह पाकिस्तान चले आना सी। एक हिंदुस्तान टाइम्स की सरारसा मैं तुम्हें दसा, एक हिंदुस्तान टाइम्स की अखबार ने अज तो कोई पुरानी 10-12 साल पुरानी गल, मैं अखबार लभण की कोशिश की, मैं उन्होंने दो दिन वेखन गल कर रहा सी। हिंदुस्तान टाइम्स की अखबार ने एक दिन फ्रंट पर खबर लगी सी, उसकी हैडिंग सी मैन विद द स्वर्ड सेव बंगाल एंड पंजाब, एक आदमी जिसके हाथ तो कृपान सी उन्हें बंगाल को पंजाब को बचाया। मैं गृह मंत्री जी ने कहा, मैं कहा जी तुसी देखो गुस्सा क्यों ना मन च आवे, जिस बंदे ने पंजाब को ते बंगाल को बचाया उहदा बुत सड़क ते लातर काफले दे बाहर सड़क ते लगा मास्टर तारा सिंह दा, ते जिन्ने इस मुल्क नूं वंडिया जवाहर लाल नेहरू उहदा बुत पार्लीमेंट जांदा, दसो गुस्सा आवे कि ना आवे? कहिंदे यार बिल्कुल आपकी बात ठीक है। कहते सिरसा जी आप तो पंजाब बंगाल की बात करते हो, मेरी सुन अमित शाह जी भी सुनो, कहते आप तो पंजाब बंगाल की बात करते हो, अरे ये जम्मू कश्मीर भी ना होता, पठानकोट को जाने का रास्ता ही ना होता तो जम्मू कश्मीर हमारे पास कहां से होता? अरे मास्टर तारा सिंह जी का कोई देण दे सकता है? कोई देण दे सकता है? पर हमसे कोई बात तो करे। यहां पे जो लोग आते रहे वो अपनी अपनी बातें करते रहे, कोई कहता मंत्री बना दो, कोई कहता संतरी बना दो, कोई कहता गार्ड दे दो, कोई कहता घर दे दो। अरे कोई कौन की बात करे, हम तो सब कुछ देने को तैयार है, कोई मांगे तो सही, किसको दे? श्रोमणी अकाली दल अकल शिवसेना ने किया अलायंस, श्रोमणी अकाली दल ने शिवसेना ने अलायंस किया है, पर तुम्हें खतरा कोई नहीं है, बिल्कुल खतरा नहीं हूं कोई भी जी, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੋਵੇ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ? ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਨਾ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। और नवजोत सिद्धू खड़ा होगा, दोनों हाथ कमले और कोई गाला कढ़ी जाता है, क्या गंद बोलता है, पंजाब की छवि ने इन्होंने लोगों ने मिट्टी करके रख, एक कहता मैं दुध कढ़ना आता है, दूजा कहता मैं दुध चो पनीर कढ़ना आता है, तीजा कहता मैं ट्रैक्टर चलाना आता है, चौथा कहता मैं ऊंट बहाना आता है। यार कमाल होगी, किसी को पंजाब भी चलाना आता और पंजाब बचाना आता भी बंदा दसे अपने बारे च, कमाल होगी। देखो तुम मैनू माड़ा चंगा कह लो पट्टी साहब, पर अपने घर बैठ के हम यह जरूर सोचियो जे जो थोड़ा छोटा बच्चा थोड़ा पोतरा थोड़ा दोता थोड़ा बेटा थोड़े सामने होवे ना, इमानदारी ना गुरु हाजिर नाजर करके वो मूँह वाल देख के एक गल जरूर कहो जे भी यदा 20 साल बाद भविख सिद्धू बचा सकता है, चन्नी बचा सकता है, या मोदी बचा सकता है, इन्नी गल जरूर पूछ रहे हो।
ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਹ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਰਸੋਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਆ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਦੋ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਭਾਰ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਮਾਰਾ ਤੋ ਆਤਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਯਾ ਫਾਈਲ ਜੋ ਆਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੋ ਗਵਰਨਰ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਬ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਜੀ, ਅਭੀ ਜਲਦੀ ਸੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮੈਨੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਂਗੇ ਔਰ ਇਸਕੋ ਕਰੇਂਗੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਰਾਂਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਅਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਗੰਗੇ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕੰਘੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੰਘੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਲੈਦਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆ ਖਾਲੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਐਸਾ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼। ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਸੀ ਵੀ ਚੋਦੂਗਾ ਦੁੱਧ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਸੀਟੀ ਜਾ ਦੂੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਬਚਾ ਸਕੇ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜੋਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਸਪੋਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਰਿਸਪੋਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮਕਰਨ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾਖਲ ਕੀਏ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਆ ਹਦਾਇਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਛਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਕੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਪੱਕੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੂੰਘੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਬ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਥਾ ਹਮ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਥੇ, ਸਾਂਝਾ ਇਸ਼ੂ ਥਾ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓਨਰੇਬਲੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਸਕੋ ਬੇਟਾ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਸਭ ਨੋਰਮਲ ਸੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਪਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਂ ਔਰ ਅੱਛੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਹਮ ਜਿੱਤੇਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।